नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोनू टेक में। मैं हूं सोनू फेस और आज मैं बताऊंगा आप लोग को बाथरूम की पूरी फिटिंग, जिसमें कमोड भी होगा, कमोड का पॉइंट कैसे बनाते हैं, उसमें जो है जेट स्प्रे का पॉइंट कैसे बनाते हैं, उसका क्या मेजरिंग होता है। तो मेरे साथ बने रहो, वीडियो को पूरा देखते रहे बिना स्किप किए हुए। और अभी तक हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिले आपको और आपसे एक भी जानकारी मिस ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये कैंसिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे दो है मेरे पास, एक जो है रेन शावर में इस्तेमाल होगा और एक जो है कमोड के पॉइंट के लिए जेट ऑपरेट करेंगे। कमोड के पॉइंट के लिए जो जेट ऑपरेट होता है वो कैंसिल्ड से ही होता है, ठीक है। तो इसलिए दो कैंसिल्ड लगेगा, एक जो है कमोड में यूज होगा और एक जो है रेन शावर में यूज होगा। और इसके साथ में अभी है ये 3/4x3/4 का ये MTA है, ठीक है। MTA बोलते हैं इसको, मेल थ्रेडेड एडाप्टर। अभी ये चार है तो एक में दो लगेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो है इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। इसका स्पैडल जो है ये बाहर निकाल लेंगे और इसमें एंड कैप लगा दूंगा मैं, ठीक है, ताकि प्लास्टर के टाइम इसके अंदर मसाला सीमेंट वीमेंट ना जाए। तो देखिए अभी इसको इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। चाहे तो इस तरह से भी खोल सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे दिया है खोलने वाला, इधर से भी खोल सकते हैं। स्पैडल बाहर आएगा, ये स्पैडल होता है इसका, ये वाला स्पैडल है। तो इस तरह दूसरे वाले को भी खोल लेंगे, ठीक है। अब बाकी बचा ये, इस तरह से खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये, ठीक है। तो अभी इसमें जो है एंड कैप लगा के बंद कर दूंगा और इस साइड, देखिए अभी चारों में लग चुका है, ठीक है। इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से, पूरा फुल टाइट करना है इसमें और इसमें टेफ्लॉन में कमी नहीं करना है। पूरा 25 राउंड लगाना है, 25 राउंड से कम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें लीक आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा रिपेयर करने में, टाइल्स को कट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसको अब जो है इसको बढ़िया से टाइट करना है, ठीक है। लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी ये टाइट हो चुका है, ठीक है। और इसको फिटिंग करते टाइम इसमें मैं एंड कैप लगा दूंगा। तो अभी फ्रेंड्स जो इसका स्पैडल बचा है इसको जो है आराम से कहीं रख देंगे, ठीक है, गायब ना हो, गायब नहीं होना चाहिए। टाइल्स के बाद फिर इसकी ज़रूरत होगी फिटिंग करते टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो बाथरूम, ठीक है। इसका फिटिंग मैं सारा कर दिया हूँ, एक एक चीज़ को मैं समझाता हूँ बारीकी से। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। चलिए एक एक चीज़ को समझाता हूँ मैं। तो यहाँ से शुरू करता हूँ, ये देखिए गीजर का पॉइंट है, ठीक है। जो गीजर का पॉइंट होता है वो लेफ्ट में हॉट वाटर होता है और राइट में कोल्ड वाटर रहता है। तो देखिए ये जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला हॉट वाटर है जो कि लेफ्ट में है और ये जो है कोल्ड वाटर है ये राइट में है। तो देखिए ये दोनों आ रहा है नीचे। तो देखिए अभी यहाँ पे आके इस तरह से किया हूँ मैं, ये वाला टैंक का है, टैंक में जब यहाँ पे ये गीजर वाला हॉट वाटर है और ये टैंक का कोल्ड वाटर है, ठीक है। तो अभी पाइप के ऊपर पाइप चढ़ रहा था तो इसलिए यहाँ पे मैं ये ओवरमैन लगाया हूँ। ये 3/4 का है, जहाँ पे पाइप के ऊपर पाइप चढ़ता है तो इस तरह से लगाया जाता है इसको। और ये गीजर वाला हॉट वाटर है, देखिए यहाँ से ला के यहाँ पे रोका हूँ मैं। और ये टैंक वाला है, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये टैंक का हो गया और ये गीजर वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है 6 इंच से कम नहीं रखना। अभी मैं इसको जो है 6.5 इंच पे रखा हूँ, ठीक है। और फिर जो ये मोटर है, मोटर भी जो है इससे टैंक वाले से मोटर वाला, इसकी दूरी जो है 6.5 इंच इसका भी है।
ठीक है। और ये जो है शावर है, ये देखिए ये रेन शावर है, यहाँ पे शावर आएगा। और ये जो भी होल दिखाई दे रहा है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो ये टैप है तीनों, ठीक है, ये तीनों टैप है। टाइल्स लगने के बाद जो इसका हाइट होगा वो 30 इंच आएगा, तो 30 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। 30 इंच रखेंगे या 30 इंच से थोड़ा कम रख के 24 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से ही जो टैप है, टैंक वाला जो टैप है, इससे कैंसिल वाली जो दूरी है 8 इंच रखना है। और फ्रेंड्स ये MTA है, 3/4 का MTA लगाया हूँ मैं, ठीक है। टेपलान लगा है इसमें, टेपलान में कोई कमी नहीं करना है। टेपलान में कमी करेंगे यहाँ पे लीकेज आएगा। अब यहाँ पे अगर लीकेज आ जाएगा तो फिर टाइल्स के बाद इसमें रिपेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो और इसका जो स्पैडल है, स्पैडल निकाल लेना है। स्पैडल अभी इसका निकाल के मैं इसमें इंड कैप लगा दिया हूँ इस तरह से, ताकि इसमें जो है सीमेंट का मसाला वसाला ना जाए इसके अंदर। और ये मोटर वाला है, अभी देखिए इधर जा रहा है, ठीक है। और लाइनिंग का ध्यान रखना है, अभी जितना फिटिंग किया हूँ मैं, देखिए पूरा लाइनिंग आ रहा है। और हर वीडियो में बताता हूँ लाइनिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि लाइनिंग जो है फ्रंट पे रहेगा तो फिटिंग करने में दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो जो भी फिटिंग होगा वो ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ पे ये बीम आया था, तो यहाँ पे मैं एल्बो लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो एल्बो के बजाय 45 डिग्री का बैंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा फोर्स जो है डाउन होता है। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से लिया हूँ मैं, और लाइनिंग भी जो है फ्रंट पे है। तो देखिए ये ऊपर वाला मोटर का है और ये नीचे वाला टैंक का है। और यहाँ पे मैं 3/4x1x2 का ब्रास्टी लगाया हूँ। यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन आएगा, ठीक है। तो इस एरिया में जो इतना दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं 3 फीट का स्पेस छोड़ दिया हूँ वॉशिंग मशीन के लिए। और ये ऊपर वाला ये मोटर वाला है और ये नीचे वाला टैंक है। अब जो है ये टॉयलेट में जा रहा है, अभी मैं इसमें बाथरूम में हूँ। मेरे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अभी उसमें बताता हूँ मैं कि जेट स्प्रे का पॉइंट कैसे बनाते हैं कमोड के लिए, ठीक है। तो अभी जो है मैं टॉयलेट में आ गया हूँ। ये ऊपर वाला पाइप जो है मोटर का है, और ये जो नीचे वाला है ये टैंक का है, ठीक है। तो अभी देखिए ये ऊपर वाला मोटर का है और ये नीचे वाला टैंक का है, क्योंकि यहाँ पे मैं 3/4 का टी लगा के फिर एक T 3/4 का यहाँ पे लगा के, देखिए थोड़ा दिखाता हूँ मैं, देखिए इस तरह से है, ठीक है। और ये कमोड वाला पॉइंट है, ये जो है यहाँ पे कमोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ टी से, यहाँ टी लगा के मैं ले रहा हूँ इसको यहाँ पे, फिर यहाँ से दिया हूँ इधर एक 3/4x1x2 का ब्रास्टी लगाया हूँ मैं। यहाँ पे आएगा ये कमोड है, कमोड के लिए जो है हैंडजेट आएगा, ठीक है। या यू कहें कि छोटा टेलीफोनिक सावर, ठीक है। और अभी यहाँ से इधर आ रहे, देखिए यहाँ पे एल्बो लगा के कॉर्नर पे, फिर यहाँ पे एक दिया हूँ मैं। और ये सामने यहाँ भी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वॉश बेसिन आएगा, ठीक है। वॉश बेसिन का पॉइंट है ये, ठीक है। तो अभी जो इसको जो है 24 इंच पे रखा हूँ मैं, फ्लोर से फाइनल फ्लोर हो जाएगा तो 24 इंच आएगा ये। इसका माप जो है 24 इंच रखिए, यहाँ से कनेक्शन पाइप से होके जो पिलर काक लगेगा वहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। और अभी यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं 3/4 का कैंसिल लगाया हूँ मैं ये, ठीक है। 3/4x3/4 का है, तो इसका स्पैडल मैं अभी निकाल लिया हूँ। उसको निकाल के यहाँ पे मैं एंड कैप लगाया हूँ। और ये ब्रास MTA है, यहाँ से देखिए यहाँ पे ले आया हूँ 3/4x1/2 का। ये ब्रास एल्बो है, ये जो है जेट का पॉइंट है, ठीक है। जब कमोड पे बैठेगा आदमी, उसको जो है फ्रेश होने के लिए यहाँ पे उसका जेट कनेक्ट होगा और यहाँ से ऑन ऑफ होगा। जैसे ही जब यहाँ पे ऑन करेगा तो यहाँ से पानी होके जो कमोड है वहाँ पे जाएगा फ्रेश होने के लिए उसको, ठीक है। फ्रेंड्स अभी जो है ये इधर आ रहा है, तो ये ऊपर वाला तो मोटर का है। फ्रेंड्स ये टैंक वाला है, टैंक वाले से यहाँ से टी लगा के दिया हूँ मैं यहाँ पे। एक एल्बो दिया हूँ, 1/2 का एल्बो है, 3/4x1/2 का ब्रास एल्बो, ठीक है। यहाँ पे एंगल काक लगा के यहाँ पे प्लस आएगा कमोड वाला, ठीक है। तो उसका कनेक्शन देंगे। और अभी देखिए फिर ये आगे जा रहा है, ये वाला मोटर का है और ये वाला टैंक का है। लाइनिंग का ध्यान रखना है, देखिए पूरा लाइनिंग फ्रंट पे मिल रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो गया है ये, ठीक है। 3/4x1 हो गया है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ये मोटर वाला है और ये नीचे वाला टैंक का है। तो यहाँ पे एक अभी टी लगाया हूँ मैं, 1 इंच का टी लगाया हूँ। फिर उसके बाद 3/4 का पुश लगाया हूँ मैं, ठीक है। 1/3/4 रिड्यूस हुआ है, ये इधर भी रिड्यूस हुआ है और ये नीचे भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो और अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत कट गया था, इसकी वजह से मुझे साकेट लगाना पड़ा। और अभी यहाँ पे देखिए इस तरह नीचे आ रहा है, ये टी लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक सादा सीट आएगा, इंडियन सादा सीट, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ इधर आएगा, अभी यहाँ पे थोड़ा मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ इसका भी प्लस लगेगा, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हूँ इसका। और अभी देखिए यहाँ से इधर आ रहा है ये, तो यहाँ पे जो इंडियन सादा सीट होगा उसका जो टैप होगा पानी भरने के लिए, उसके लिए दिया हूँ ये इसको मैं,
और फ्रेंड्स अभी ये ऊपर जा रहा है, तो एक चीज़ बताना मैं भूल गया। देखिए मान लीजिए टैंक से जो पाइप आ रहा है मेरा, अभी ये टैंक का हो गया, ये मोटर का हो गया, ठीक है। तो ये टैंक वाला अभी आ रहा है इधर से, ठीक है। अभी देखिए ये ऊपर से नीचे आ गया, तो जब ऊपर से नीचे आता है तो कहीं भी पूरा वीडियो में देख लीजिए मेरा जितना फिटिंग किया हूँ, कहीं भी जो है ऊपर से जब एक बार नीचे आ गया तो नीचे से फिर ऊपर नहीं ले जाना है इसको, ठीक है। तभी देखिए ये यहाँ से जैसे मैं नीचे लिया हूँ, तो इसको अभी यहाँ पे टैंक वाला पाइप है, तो इसको ऊपर नहीं उठाना है। अब अगर ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर डाउन होगा, उसके साथ उसमें हवा आएगी, एयर आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगा, इसलिए पाइप को कभी भी नीचे से ऊपर मत उठाइए। ऊपर से नीचे रखेंगे तो प्रेशर भी अच्छा होगा और साथ में उसके हवा हवा कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए अभी पूरा फिटिंग हो चुका है, ठीक है। ये टॉयलेट का फिटिंग दिखा रहा हूँ मैं, ये भी ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर से आ गया इधर, और यहाँ पे एक प्लस का है, और इधर जो है ये वाला टैप का है, और फिर यहाँ से अब देखिए इस तरह से जा रहा है इधर। अभी यहाँ पे कमोड आएगा, दो पॉइंट दिख रहा है, तो जो राइट हैंड वाला है वो कमोड का है, और ये एक जो है इधर जेट स्प्रे के लिए है, फिर ये कंसील्ड है, कंसील्ड के बाद एक हैंड जेट के लिए है, ठीक है। और इधर आ रहा है एक वॉश बेसिन का, और फिर यहाँ से वापस जो है बाथरूम के अंदर जा रहा है, ठीक है, इस तरह। तो चलिए बाथरूम में भी एक बार चलता हूँ, अभी देख सकते हैं इस तरह से। इधर जो है वॉशिंग मशीन का पॉइंट आ गया, और अभी इधर तीन टैप दिखाई दे रहा है, तो एक मोटर का है, एक टैंक का है, और एक जो है हॉट वाटर गीजर का है। और इधर ऊपर शावर है, तो शावर का हाइट जो है 7 फीट रखना है, और कम से कम जो है 6 फीट रखना है, 6 फीट से नीचे नहीं रहता है शावर। और ये गीजर वाला है, ठीक है। तो गीजर वाले का हाइट जो है 6 फीट रखना है मैक्सिमम जो है, और इसमें जो पाइप यूज हुआ है फ्रेंड्स वो SDR11 फर्स्ट क्लास का पाइप है। तो दोस्तों पाइप फिटिंग वाला वीडियो पूरा हुआ, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का। फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक।